है जहां एक अघोरी बाबा ने आशीर्वाद देने के बहाने व्यक्ति से सोने की चैन और अंगूठी मांगी और व्यक्ति को धक्का देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस को मामले की शिकायत करते हुए पीड़ित रमेश मानकलाल मंत्री ने बताया कि जब वह आज शनिवार सुबह करीब 6 बजे अपने घर से निकला तो वहीं रामनगर चौक स्थित हनुमान मंदिर और दाहिनी ओर स्थित लक्ष्मी भवन चौक से धर्मपेट स्थित सेमिनरी हिल्स के सामने लॉ कॉलेज चौक के पास लगभग 6:20 के करीब उनके सामने से एक सफेद रंग की ऑल्टो कार आकर रुकी, जिसमें करीब 3 लोग सवार थे। वहीं उनमें से पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने काले कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा राख से ढका हुआ था। ड्राइवर के बाई ओर बैठे एक व्यक्ति ने फरियादी रमेश मानकलाल से पूछा कि पास कोई मंदिर है क्या, हमारे अघोरी बाबा को दर्शन करना है व उन्होंने नहाना है और फ्रेश होना है, क्या आसपास कोई ऐसी जगह है। उस पर रमेश ने कहा कि आसपास ऐसी कोई भी जगह नहीं है। इस शख्स ने आगे कहा कि बाबा के दर्शन तो ले लो। उस वक्त रमेश गाड़ी में पीछे बैठे शख्स के पास गया तो बाबा ने उससे 10 रुपए मांगे। ये कहकर रमेश ने उसे 10 रुपए का नोट दे दिया। उन्होंने 10 रुपए के नोट को किसी तरह का मंत्र बताकर वापस कर दिया, फिर कहा कि तुम्हारी हाथ की घड़ी अच्छी लगती है। तो रमेश ने उन्हें अपनी कलाई दिखाई, लेकिन उस पर भी एक मंत्र जाप करके बाबा ने रमेश को वो वापस कर दिया। बाबा ने फिर रमेश की अपनी गर्दन पर इशारा किया तो रमेश ने उन्हें गले में रुद्राक्ष का हार दिखाया, लेकिन बाबा ने इसके नीचे सोने की चेन देखकर कहा कि ये क्या है। इस पर रमेश ने लगभग 50 ग्राम वजन की सोने की चेन बाबा को दे डाली। तभी बाबा की नजर दाहिने हाथ की उंगली में रमेश की अंगूठी पर पड़ी, जो कि 8 ग्राम वजनी थी। उस पर भी बाबा को सौंप दिया गया। दोनों सोने के आभूषण हाथ लगते ही बाबा ने रमेश को धक्का दिया और तीनों लोग वहां से भाग निकले। इसी बीच उन्होंने रोकने का प्रयास करते हुए रमेश को चोटें आई और फरियादी ने पुलिस को फोन कर सारी घटना की जानकारी दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रमेश को इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आज सकाळी 6:30 दरम्यान यातील फिर्यादी हे सीनियर सिटीजन आहेत, ते सायकलिंग करत लॉ कॉलेजच्या दिशेने येत होते। त्यावेळेला ऑल्टो कार म्हणून 3 इसम आले, त्यांनी त्यांना थांबवून काही पत्ता विचारला व त्याच्यामध्ये काही स्वामी बसले आहेत, त्यांचं दर्शन घ्या असे त्यांना सांगितले असतात। सदर फिर्यादी यांनी त्यांच्यापाशी गेले तेव्हा त्यांनी त्यांचे घड्याळ आणि एक चेन असे घेऊन मंत्रून त्यांना परत दिली, त्यामुळे त्यांचा विश्वास त्याच्यावरती बसला आणि त्यांनी त्यांना बोलण्यात गुंतवले। त्याच्यानंतर त्यांच्या घड्यातील एक सोन्याची चेन 5 तोळ्याची व हातातील एक अंगठी ही पण घेतली आणि ती मंत्रून देतो असं सांगितले आणि ती हातामध्ये घेतल्यानंतर ते तिथनं पळून जायला लागले। त्यावेळेला फिर्यादींनी त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु फिर्यादी हे गाडीचा धक्का लागून खाली पडले। त्यानंतर ते तिन्ही इसम सदर मुद्देमाल घेऊन पळून गेले। याबाबतीत त्यांनी पोलीस स्टेशनला तक्रार केली असता त्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि याबाबतीत पुढचा तपास चालू आहे। नाही, फिर्यादी ते पळून जात असताना फिर्यादींनी त्यांना पकडण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे ते फिर्यादी खाली पडले, किरकोळ जखमा त्यांना झालेल्या आहेत। याच्याबद्दल आमचा तपास चालू आहे, काही CCTV फुटेज वगैरे दिसतं आहे का, किंवा गाडीचा नंबर वगैरे काय मिळतो आहे का, याच्याबद्दल तपास चालू आहे। तसा प्रकार काही जाणवलेला नाही आहे, बोलण्यामध्ये गुंतवून त्यांना हा माल त्यांचा मुद्देमाल आहे तो घेऊन पळून गेलेले आहेत, ज्या किंमत अंदाजे 4.5 लाख रुपये। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।